नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री का आंसर की जारी हो चुका है। तो आंसर की के अनुसार कुछ प्रश्नों को मैं सिलेक्ट किया हूं जो ऑब्जेक्शन लायक हैं, ठीक है। सभी सबसे पहले तो आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पीजीटी हिस्ट्री में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप प्रश्न जो काउंट करेंगे ना, केवल जीके का काउंट करिए, जीके और हिस्ट्री का काउंट करना है आपको। कुछ लोग लैंग्वेज को भी काउंट करके बता रहे हैं, लैंग्वेज काउंट नहीं होगा, केवल जीके और हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और दो क्वेश्चन आपके डिलीट भी हुए हैं, तो इस तरह से दो प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। तो पूर्णांक जो आपका पहले 120 का था, अब 118 का हो गया। आइए कुछ प्रश्नों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके आपत्ति वाले हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपके आपत्ति वाले हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो सितंबर 1945 को, जबकि 2 सितंबर 1945 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब विकल्प ई जो होगा वह आपका सही होगा, ठीक है, जबकि इसमें कुछ और माना है। एक और प्रश्न है आपका, किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। तो चोल साम्राज्य की स्थापना तो विजयालय ने किया था, पुनर्जीवन देने का काम जो किए थे वो प्रांतक फर्स्ट, इसलिए विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। इसको भी ऑब्जेक्शन के रूप में ले सकते हैं आप लोग। प्रादेशिका कौन थे, प्रादेशिका जो थे वह आपके इसमें आंसर की के अनुसार राजस्व संग्रहकर्ता को माना गया है, जबकि प्रादेशिका जो होंगे आपके वो कार्यकारी अफसर होंगे। विकल्प बी जो है आपका सही है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आयोग की आंसर की के अनुसार कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और उसमें लैंग्वेज काउंट मत करिएगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संथाल प्रगने में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी की थी। संथाल प्रगने में सिपाहियों ने जो गोलीबारी की थी पहले, वह किसानों पर की थी। विकल्प ए जो है किसानों पर की थी, जबकि आयोग के आंसर की अनुसार अफसरों पर। पता ही अफसरों पर संथाल सिपाही क्यों गोलीबारी करेंगे, अफसर तो बिल्कुल नहीं होगा, यह होगा किसानों पर। विकल्प ए जो है आपका सही है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आयोग के आंसर की अनुसार मतलब कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपत्ति करने लायक है। और भी कोई प्रश्न होंगे आपके नज़र में तो बताइएगा। सभी लोग कमेंट करिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। धन्यवाद आप लोग को।